हेलो फ्रेंड्स नमस्कार हम ग्रजीश कुमार विदानी वीडियो बेस्ड ऑन टीटी इंग्लिश प्रिपरेशन दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो हेयर क्वेश्चन नंबर थर्ट वन इज गिवन एज पी आर द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ट फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्ड मिस स्पेल्ट है तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है ब्रीफिंग इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है सिंगल एफ होना चाहिए सो करेक्ट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी थ्री के लिए यहाँ पर डायरेक्शन uh, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज़ नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको बताना है किस वर्ब के साथ सही प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया गया है इसका आंसर दिया गया है डिस्टिंग यूज़ अगेंस्ट टू थिंग्स यहाँ थिंग्स होना चाहिए यहाँ पर अगेंस्ट दिया गया है अगेंस्ट नहीं बल्कि यहाँ पर बिटवीन बिटवीन जो है यूज़ किया जाना चाहिए सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री यहाँ पर भी आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है जिसमें वर्ब के साथ करेक्ट करेक्टेशन का यूज नहीं किया गया है तो थर्टी थ्री के लिए यहाँ पर जो एंसर हो जाएगा इंगेज फ्रॉम एग्रीड टू मैरी यहाँ पर विद होना चाहिए फ्रॉम की जगह पर सो करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स लाइंस आर एज फॉलोज इज दिस द फेस दैट लॉन्च ए थाउजेंड शिप्स एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम यहाँ पर आपको फिगर आप स्पीच बतानी है तो रेफरेंस के अनुसार ये यहाँ ऑक्जीमन दिया गया है लेकिन ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से डाउटलेस है डाउटफुल है तो इसका डी ऑप्शन मेरे हिसाब से गलत है आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन सा जो है यहाँ पर सही आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव थर्टी फाइव इज गिविन एज बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मार्स्कुलिंग फेमिनिन जेंडर सिक्वेंस यहाँ पर आपको बताना कि मार्स्कुल फेमिनिन जेंडर के अनुसार कौन सा पेयर गलत है तो यहाँ पर दिया गया है स्टैलियन इव ये मिसमेज है सो करेक्ट ऑप्शन इज सी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स फिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ कंसेंट कंसेंट का यहाँ पर सिनोनिम कौन सा नहीं है तो इसका आंसर दिया गया डिसेंट सो करेक्ट ऑप्शन इज बी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन टू थर्टी एट के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है फॉलोइंग हैव बीन ट्रांसफर्ड एज पर डायरेक्शन गिवेन इन दियर ब्रैकेट्स चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम चॉइसज गिवेन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये दिए गए डायरेक्शन के अनुसार कौन सा सही ऑप्शन होगा यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल इसको पैसेवाइज में चेंज करना है थर्टी सेवन के लिए यहाँ पर सही इसका आंसर हो जाएगा इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग सो करेक्ट ऑप्शन इज डी क्वेश्चन नंबर थर्टी एट प्लीज़ डोंट गो अवे ही सेड इन डायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू गो अवे सो करेक्ट ऑप्शन इज डी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन घासटली डिनोड्स फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो वर्ड दिया गया है इसका सिनोनिम बताना है तो घासटली का मतलब होता है भयानक घासली का मतलब क्या होता है भयानक और इसके लिए एक और वर्ड हो जाएगा यहाँ पर डेडफुल इसका मतलब भी भयानक होता है सो करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी ब्रोज्ड का यहाँ पर सिनोनी आपको बताना है ब्रोज्ड का मतलब होता है जो टूटा हुआ हो उठा हुआ हो खुला हुआ हो इसके लिए रेस्ट हो जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन 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 नंबर फोर्टी वन डोंटलेस Don't डोंटलेस less. Don't less की सीनोनी में यहाँ पर आपको बतानी है तो इसका सिनोनी हो जाएगा फेयर लेस एंड डिटरमाइंड डॉन्ट्लेस का मतलब होता है नीडर नीडर इसका हिंदी होता है सो करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू मॉड्यूल की यहाँ पर सीनोनी में आपको बतानी है तो मॉड्यूल का मतलब होता है मिलान करना या ऊपर नीचे करना एडजस्ट करना तो ये यह एडजस्ट यहाँ पर दिया गया है सो करेक्ट ऑप्शन इज डी क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इम्प्रोमटिव की यहाँ पर आपको सीनोनी बतानी है तो इम्प्रोमटिव का हो जाएगा ऑफ हैंड इम्प्रोम्पटिव का मतलब होता है शीघ्र क्या होता है शीघ्र होता है तो इसके लिए यहाँ पर ये यह आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर टू फोर्टी फाइव के लिए डायरेक्शन दिया गया है सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड यहाँ पर अपोजिट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर में दिया गया है डिफाइल डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध करना डिफाइल का मतलब क्या होता है अशुद्ध करना तो शुद्ध करने के लिए यहाँ पर आपको वर्ड बताना है तो इसके लिए यहाँ पर हो जाएगा शुद्ध करने के लिए प्यूरीफाई सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव फॉर फोर्टी टच फोर्टी टच की यहाँ पर आपको um, एंटोनी बतानी है तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा फोर्टी फाइव के लिए यहाँ पर दिया गया प्लांट जो पहले से नियोजित हो और इसमें है जो पहले से नियोजित ना हो सो करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इज गिवन हेयर यस फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है थोड़ा सा इन करते हैं यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है चूज द अप्रोप्रेटिव प्रिपोजिशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है फोर्टी सिक्स टू फिफ्टी के लिए कि खाली स्थान में कौन सा वर्ड भरा जाएगा फोर्टी सिक्स इज हैप्पीनेस कंसिस्ट इन बींग कंटेंटेड तो फोर्टी सिक्स के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा फॉर यहाँ पर फॉर भर देंगे तो ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन हिज रूड बिहेवियर इज अ डिसग्री डैश हिज ऑर्गनाइजेशन इसके लिए आपको फोर्टी सेवन के लिए आंसर करना है तो इसका हो जाएगा फॉर यहाँ पर भी हो जाएगा फॉर यहाँ फॉर भर देंगे सो करेक्ट ऑप्शन इज ए क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट नो चाइल्ड इज डल डैश अंडरस्टैंडिंग वन हैज़ टू वेट एंड प्रोवाइड प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर खाली स्थान में आप आपको सही वर्ड भरना है फोर्टी एट के लिए यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा ऑफ़ यहाँ पर ऑफ भर देंगे सो करेक्ट ऑप्शन इज सी क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन आई एम फुली एलाइव डैश द प्रॉब्लम्स फेसिंग द इंडस्ट्री फोर्टी नाइन के लिए यहाँ पर आपको आंसर करना है तो ये हो जाएगा बिथ यहाँ पर बि बिथ भर देंगे सो करेक्ट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी द रो वर व बैड डैश साइंस यहाँ पर आपको खाली जगह में प्रीपोजिशन भरना है फिफ्टी के लिए यहाँ पर सही प्रीपोजिशन हो जाएगा और यहाँ पर फिफ्टी के लिए दिया गया है और लेकिन ये मेरे हिसाब से डिस्प्यूटेड है बैड एट हो बैड इन होता है बैड गुड एट होता है और बैड इन होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इन होना चाहिए यहाँ पर इन होना चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट के पूर्व जब इस तरह का कोई यूज होता है तो बैड इन और गुड एट का यूज़ किया जाता है मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही है कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि सही क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू फिफ्टी के लिए यहाँ डायरेक्शन दिया गया है चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ गिवेन इन द ब्रेकेट्स ब्रेकेट में जो दिया गया है इसको ट्रांसफ़र करना है आपको सही ऑप्शन से 51 दिया गया है वेन द प्रोडिगल सन रिटर्न होम हिज फादर वेलकमड हिम विद ओपन हैंड इसको आपको सही ऑप्शन से ट्रांसफर करना है तो फिफ्टी वन के लिए यहाँ पर सही प्रेस हो जाएगा विद ओपन आर्म्स सो करेक्ट ऑप्शन इज सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू लुक एट दिस वीडियो क्लिप इन विच आई माई फ्रेंड एंड यू आर इन्जॉइंग ए बोट राइड यहाँ पर ये एक रूल होता है वन थ्री वन टू थ्री वन का जो प्रीपोजिशन के लिए सॉरी जो प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर आपको सही ऑप्शन चुनना है फिफ्टी टू के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा यू माई फ्रेंड एंड आई यहाँ पर आप देख सकते हैं टू थ्री वन का यूज किया गया है सो करेक्ट ऑप्शन इज ए क्वेश्चन नंबर फिफ्टी थ्री द पब्लिक वेंट दियर एंगर ऑन सोशल मीडिया टू प्रोटेस्ट टूवर्ड पुलिस ब्रोटली ब्रोटिलिटी Uh, इसके लिए आंसर आपको करना है ट्रांसफर करना है सही वर्ड से 53 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा अगेंस्ट इसके टू तो के बदले पर अगेंस्ट का यूज़ किया जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन इज बी क्वेश्चन नंबर 54 दिस पैलेस हैज़ बीन बिलोंगिंग टू आवर फैमिली सिंस जनरेशन्स यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना हैज़ बीन बिलोंगिंग को सही ऑप्शन से तो फिफ्टी के लिए यहाँ पर सही प्लेस हो जाएगा हैज़ बिलोंग्ड सो करेक्ट ऑप्शन इज बी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इफ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार यहाँ पर आपको हैव हाइट को ट्रांसफर करना है सही वर्ड से तो 55 के लिए यहाँ पर सही वर्ड हो जाएगा हाइड यहाँ पर हैव हेड नहीं बल्कि हाइट का प्रयोग होगा सो करेक्ट ऑप्शन इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 56 सिक्स टू सिक्सटी के लिए यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्राम द आंसर्स गिवेन बिलो ईच क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है इसको आप चाहें तो स्क्रीन ले सकते हैं पैसेज थोड़ा लंबा है और इसके नीचे इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सिक्स इज इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ डैस हैव हेल्प्ड इंक्रीज द प्रोग्रेस ऑफ फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेज यहाँ पर सही आंसर आपको करना है फिलिंग करने के लिए तो फिफ्टी सिक्स के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बायो बायो फार्मा बायोफार्मास्यूटिकल्स बायो फार्मा फार्मास्यूस्यूटिकल्स यहाँ पर हो जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन इज सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी सेवन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मेडिसिन ऑन हेल्थ इसका आंसर आपको करना है फिफ्टी सेवन के लिए इसका आंसर हो जाएगा साइड इफेक्ट्स एंड हाई ट्रीटमेंट कॉस्ट सो करेक्ट ऑप्शन इज डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट दैट्स फ्रॉम हार्ट डिसीजेज हैव रिड्यूस्ड बाई ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट ड्यू टू इसका आंसर आपको करना है फिफ्टी एट के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा सर्जरीज लाइक एनजीओग्राफ एनजियो प्लास्टी एनजियो प्लास्टी इसका आंसर हो जाएगा सो करेक्ट ऑप्शन इज सी क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन इज गिवन ही क्वेश्चन नंबर फिफ्टी नाइन इज एज फार उज कीमोथेरेपी इज कीमोथेरेपी क्या है पैसा इसके अनुसार आपको बताना है तो फिफ्टी नाइन के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा कीमोथेरेपी इज केमिकल ट्रीटमेंट टू क्योर कैंसर कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का यूज़ किया जाता है सो करेक्ट ऑप्शन इज बी क्वेश्चन नंबर सिक्सटी एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू टू क्रिएट वीडियो फॉर टी टी प्रिपरेशन इफ यू सपोर्ट मी बाई सब्सक्राइबिंग माई चैनल क्वेश्चन नंबर सिक्सटी इज विच पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंस इज रैपिड स्टाइट्स इन मेडिकल साइंस हैव अलाउड डेस यहाँ पर आपको बताना है कि रैपिड जो वर्ड है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से क्या है तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है एडजेक्टिव ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है रैपिड सो करेट ऑप्शन इज़ सी फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें ना अच्छा लगे डिसलाइक करें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू तो गेट नोटिफिकेशन आई सुन एज यू विच थैंक यू वेरी मच